दोस्तों फिर हम बात करेंगे वर्ज करेंसी के XVG कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 0.0047 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और वापस से बहुत अच्छा पोस्ट इस कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। जो भी इस कॉइन में क्विक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, 20-30% का क्विक प्रॉफिट लेना चाहते हैं, और जिन लोगों ने प्रीवियसली इस कॉइन में एंट्री मिस की है, प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है और अभी एंट्री देख रहे हैं, उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.00475 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। दिन के टाइम में थोड़ा सा मूवमेंट इसकी प्राइस में देखने को मिला था, जहाँ पर 47 वाले लेवल से 495 वाला लेवल ट्राई किया था, 7-8% का एक क्विक पंप देखने को मिला था। डेली के चार्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर प्रीवियसली इस कॉइन में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, जहाँ पर इसने 0.0014 वाले अपने लोवेस्ट एरिया से बैक टू बैक मूवमेंट देखने को मिला, बैक टू बैक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ऑलमोस्ट पिछले मंथ में 10-12 जुलाई के अराउंड में इस कॉइन ने 0.01 यानी कि 1 सेंट वाला लेवल ट्राई किया था, वहाँ से करेक्शन देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट इसकी प्राइस में 50% का करेक्शन वहाँ से देखने को मिला है। जिस टाइम पर ये ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पर हमने आपको वीडियोस अपडेटेड लेवल शेयर किए थे कि किस पॉइंट पर आपको एग्जिट होना है, इस कॉइन से कहाँ पर निकलना है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, क्योंकि इस कॉइन में ब्रेकआउट हो रहा है, बैक टू बैक मूवमेंट हो रहा है, तो एक लेवल रहता है जहाँ पर चांसेस रहते हैं कि इस पिन टॉप पर जाकर यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम हम देखते हैं नॉर्मली जब किसी कॉइन में अच्छा ब्रेकआउट होता है तो उसमें बैक टू बैक डेली के अंदर ब्रेकआउट होते ही जाते हैं, जैसे हमने अभी कॉम कॉइन में के अंदर देखा बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, और भी दूसरे कॉइन BCH कॉइन के अंदर जो कि ऑलमोस्ट 60-70 USD से 300 से ऊपर चला गया था। तो इस टाइप का जब ब्रेकआउट होता है जिसमें वॉल्यूम रहता है और ब्रेकआउट की कैंडल जो डेली की कैंडल है वो एक अच्छी खासी कैंडल, भरी पूरी कैंडल वहाँ पर क्लोज होती है, तो उसमें नेक्स्ट डे भी ब्रेकआउट के चांसेस रहते हैं, लेकिन एक लेवल रहता है जहाँ से करेक्शन का चांसेस रहता है। हम ओवरऑल ऐसा नहीं कर सकते कि आंखें बंद करके और उसको वॉच करते रहें कि अब तो इसकी प्राइस आगे जाती रहेगी, हमारा प्रॉफिट 2x 3x 5x होता रहेगा। एक लेवल रहता है यहाँ पर हमें एग्जिट करना पड़ता है, जैसे हमें हमारा जो टारगेट है कि हमें 100% प्रॉफिट या 200% प्रॉफिट लेकर निकलना है, तो उस टारगेट को पहले ही आपको सेट करना है। अब यहाँ से इस कॉइन ने 1.4 वाले लेवल से ऑलमोस्ट 600-700% का पंप लिया और इतना ही प्रॉफिट दिया। हमने आपको टारगेट बताए थे कि जो 0.1 वाला लेवल है वो एक साइकोलॉजिकली और टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया है इस कॉइन के अंदर, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसकी प्राइस 0.0095 से लेके 98 वाले लेवल से वहाँ से रिजेक्ट कर जाएगी, वहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको मैक्सिमम 95 वाले लेवल से एग्जिट हो जाना है, और ये वीडियो हमने शेयर किया था 7 जुलाई को, और उस टाइम पर इसकी प्राइस 0.0084 पर चल रही थी। तो इस कॉइन ने उसके नेक्स्ट डे 0.01 वाला एरिया ट्राई किया, वहाँ से फिर एक आध दिन और इसने ऊपर वाले लेवल ट्राई किया था, जैसे 937 को ट्राई किया, फिर थोड़े करेक्शन के साथ में फिर ऑलमोस्ट 885 को ट्राई किया, मतलब जो करेक्शन हो रहा है वो लोअर हाइज बनाते हुए करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद ऑलमोस्ट 86 वाले लेवल को ट्राई किया। तो 2-3 बार हमारे पास 2-3 दिन तक चांस था कि करेक्शन हो रहा है, तो हम अगर हमारी 30 की या 50 तक की भी बाइंग है तो भी हम मैक्सिमम 80 तक एग्जिट हो सकते हैं, वहाँ पर भी हमें 80% तक का प्रॉफिट मिल रहा है। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स वगैरह ने एग्जिट किया, अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, कमेंट्स भी हमारे पास आए थे कि सर यहाँ पर हमने एग्जिट किया, यहाँ पर हमने इस कॉइन में से निकले, लेकिन
कुछ लोगों ने ऊपर की तरफ बाई कर लिया, और यही चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि किसी भी बढ़ते कॉइन के अंदर जिसमें ऑलरेडी 100-200% का पंप हुआ है, उसमें आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कॉइन में एंट्री नहीं लेना जो एक एरिया पर स्टेबल है, जिसमें उस लेवल से ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे, ऐसे कॉइन में आपको एंट्री लेना है। और मैं आपको बैक टू बैक एंट्री शेयर करता हूँ, और उसके बाद भी मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इस कॉइन में पोस्टिंग रहेगी मैं आपको एंट्री शेयर करूंगा, और मैंने आपको एंट्री शेयर की थी। उसके बाद इस कॉइन में करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद में प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ आ गई थी, 5-7 पर आ गई थी। तो यहाँ हमने आपको 9 जुलाई को इस कॉइन में एंट्री शेयर की थी कि आपको 615 और 5-7 वाले लेवल पर एंट्री लेनी है, और एक क्विक प्रॉफिट ये कॉइन देकर जा सकता है जो कि 20% तक का रहेगा। और 73 वाला टारगेट बताया था, उसमें मूवमेंट हुआ जहाँ पर इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 73 वाला लेवल ट्राई किया, तो वहाँ पर हमने प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद अभी 6-7 दिन पहले 26 जुलाई को, ये सारी चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करें। मार्केट के अंदर आप नए आए हैं या पुराने हैं, लेकिन एक यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएंगे, प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, और जो कैपिटल आप 2x 3x 5x करने के लिए आए हैं वो करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर वापस 0.00452 पर एंट्री शेयर की, मैक्सिमम प्राइस 442 तक गई थी, और टारगेट बताया था 0.0055 और 60, दो लेवल के टारगेट मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। तो 60 और 55 वाले दो टारगेट बताए थे, 55 एग्जैक्टली 55 को उसने हिट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो डेट थी वो थी 31st, यानी कि उसके 4-5 दिन बाद हिट किया, और वहाँ से फिर रिजेक्शन देखने को मिला। अभी अगर देखें तो वापस चांसेस बन रहे हैं इस कॉइन के अंदर, और यहाँ से BTC वापस 29,200 पर है, 30,000 या 31,000 को ट्राई करता है तो अच्छा ब्रेकआउट होगा, और 30,000 या 30,000 से रिजेक्शन देखने को मिलता BTC को, तो ये कॉइन 5-6 से लेके 5-8 तक का मूवमेंट इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से 0.00475 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ी बहुत अगर प्राइस नीचे जाती है तो भी हमारे लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन ये भी एक अच्छा एरिया है 475, और इसी लेवल पर आपको एंट्री लेनी है जो जिस एरिया पर ट्रेड कर रहा, 475-476 के अराउंड में एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अकाउंट लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होता है, जो कि आप देख रहे हैं BTC में हर बार नाइट के टाइम में एक अच्छी फ्लक्चुएशन होती है, जिसमें उसमें 4-3% की गिरावट देखने को मिलती है, तो इतनी ही गिरावट अगर इसमें 5% की होती तो हम सेकेंड लेवल 0.0044 पर एंट्री लगा के रखेंगे 30% पार्ट की। टारगेट्स की अगर बात करें तो जो क्विक प्रॉफिट अर्न करने के परस्पेक्टिव से एंट्री लेंगे, ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से, उनके लिए 5-6 वाला लेवल टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा 6-1। आप चाहें तो फर्स्ट एरिया पर भी एग्जिट हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको पहले से ही आपके टारगेट सेट करके रखना है, आपको सेल लिमिट लगा के रखनी है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट होगा तब एग्जिट करेंगे, पहले से ही सेट करके रखना है। 5-6 और 6-1 दोनों लेवल पर आपको 60-40 के रेशो में सेल करना है। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं, जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, उनके लिए 6-5 वाला लेवल टारगेट रहेगा, जहां पर आपको अपना 100% पार्ट सेल करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में अभी आपको इस कॉइन में एंट्री नहीं लेनी है। लॉन्ग टर्म के बेस पे हमने दूसरे कॉइन आपको ऑलरेडी शेयर की है, उनमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएं, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएं। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।